Good morning, students. Today I am going to start the new chapter from social science, and the name of the chapter is natural disaster. ठीक है? Natural disaster का मतलब होता है कि natural disasters are sudden destructive event caused by environmental factors that led to immense loss of human life and property. Natural disaster एक sudden फैक्टर है, एनवायरनमेंट में कुछ अचानक चेंज होता है जिसके कारण ये नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं. ठीक है? और एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस होता है जिसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं. ठीक है? एंड वो अपने साथ क्या लाते हैं? दे ब्रिंग मैनी डेथ. बहुत लोग मारे जाते हैं इसमें. ठीक है? बहुत लोगों का लॉस होता है, लाइफ का भी लॉस होता है एज वेल एज प्रॉपर्टी का भी. ठीक है? बहुत सारी प्रॉपर्टी भी लॉस होती है, एज वेल एज कितने लोग मारे जाते हैं, एनिमल्स भी मारे जाते हैं. ठीक है? ह्यूमन बींग्स भी मारे जाते हैं. नाउ देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि फ्लड. फ्लड मीन्स बाढ़. अचानक बाढ़ आ जाए, बाढ़ भी बोल के नहीं आता है, अचानक ही आता है. ठीक है? तो बाढ़ आ जाता है तो भी वो भी एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है. अर्थक्वेक, अचानक भूकंप आ जाए, वो भी नेचुरल डिजास्टर है. लैंडस्लाइड, अचानक जमीन खिसक जाता है तो भी नेचुरल डिजास्टर का वो भी एक है, क्योंकि उसके वजह से फ्लड आएगा. ठीक है? साइक्लोन, वो भी एक नेचुरल डिजास्टर है. ठीक है? तो और भी बहुत सारे हैं. दिस आर ऑल नेचुरल डिजास्टर. ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स कहलाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस दिस नेचुरल डिजास्टर्स वन बाय वन. एक एक नेचुरल डिजास्टर हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट दैट इज फ्लड. व्हाट इज फ्लड? फ्लड क्या होता है? बाढ़. इट इज कॉज्ड ड्यू टू हैवी रेनफॉल. बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो फ्लड आ जाएगा. ठीक है? सपोज बहुत तेज बारिश होगा तो क्या होगा? द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर विल इंक्रीज. पानी जो होता है रिवर का वो इंक्रीज होगा. इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इट विल स्प्रेड अराउंड. चारों तरफ वो फैलेगा अगल बगल के एरिया में, तो क्या होगा? इट विल कॉज फ्लड. तो उसे कहते हैं फ्लड या बाढ़. तो बाढ़ आता है. ठीक है? तो कभी कभी बाढ़ किसने भी आता है, कभी कभी जहां पे बांध बने होते हैं. डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस द रिवर. रिवर के पास बांध बंधे हुए रहते हैं. कभी कभी ये डैम डैमेज हो जाते हैं तो क्या होता है? पानी का बहाव तेज होने लगता है, डैम टूट जाए. तो बाढ़, अगर बांध टूट जाता है तो क्या होता है? पानी का बहाव तेज होगा तो वाटर विल स्प्रेड अराउंड नियर बाय एरिया. चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा एंड फ्लड विल कम. एंड इट इज अ सिचुएशन ऑफ फ्लड. ये होता है बाढ़. ये बाढ़ का एक कंडीशन है. बाढ़ ऐसे आता है. ठीक है? हैवी रेन की वजह से भी होता है. और कभी कभी लैंडस्लाइड. माउंटेन में जब लैंडस्लाइड होता है तो ब्लॉक हो जाता है रिवर चैनल्स. जब रिवर चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो वाटर स्प्रेड होने लगते हैं नियर बाय एरियाज, तो वहां पे भी फ्लड आता है. ठीक है? तो दीज आर द थिंग्स दैट आर नोन एज फ्लड. नाउ वी विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ फ्लड. फ्लड से क्या लोगों पर प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता? फ्लड कॉजेज लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ. बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लाइफ का भी बहुत सारा लॉस होता है. क्रॉप्स, खेतों में जो फसल होता है वो भी खराब हो जाता है बाढ़ आने की वजह से, फ्लड आने की वजह से. प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है. बहुत सारे रोड्स जो है वो भी पानी में भर जाते हैं, पानी भर जाता है वहां पे, तो बिल्डिंग्स में भी पानी भर जाते हैं. फिर डैमेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी भी का फ्लो भी बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्लड. ठीक है? ट्रांसपोर्ट, हम यहाँ से वहां जा नहीं सकते, गाड़ी बस नहीं चल सकती है क्योंकि द एरिया इज कवर्ड विथ वाटर. कम्युनिकेशन, टेलीफोन लाइन और ये सब पूरे बंद हो जाते हैं. सप्लाई ऑफ वाटर, प्योर वाटर भी नहीं मिल पाता है, इसका भी सप्लाई बंद हो जाता है. फिर इट कॉजेस डिजीजेस, जिसके कारण बहुत सारे बीमारी आती है, जैसे कि कॉलेरा, डायरिया, डेंगू. दीज आर द कॉमन डिजीजेस दैट स्प्रेड ड्यूरिंग फ्लड. ठीक है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर मेडिसिन. अगर प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिले तो भी बहुत लोग मारे जाते हैं. ठीक है? अगर क्योंकि चलकर पानी अगर मेडिसिन समय पे ना मिले, कोई प्रॉब्लम हो उनको, तो भी उनकी डेथ हो सकती है. और फिर
हंगर भूख के वजह से भी अगर कोई भी रिलीफ हुआ गवर्नमेंट जो है फूड पैकेज जो देता है अगर वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है दैट टाइम ऑल्सो हंगर की वजह से भी बहुत लोग मरते हैं। थर्स्ट की वजह से भी पानी नहीं होने की वजह से भले चारों तरफ पानी है पर वो पिया तो नहीं जा सकता ना, वो तो गंदा पानी है तो इसलिए प्योर वाटर नहीं होने की वजह से भी थर्स्ट से भी बहुत लोगों का डेथ हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन, कैसे इसे रोका जा सकता है, रेगुलरली लिसन टू द रेडियो एंड न्यूज चैनल फॉर फ्लड रिलेटेड वार्निंग्स। ठीक है, वो अगर हम फ्लड ओरिएंटेड एरिया में रहते हैं, वहां पे रहते हैं जहां पे फ्लड प्रोन एरिया है, जहां पे फ्लड अक्सर आता है, तो फ्लड प्रोन एरिया में अगर हम रहते हैं, बाढ़ जहां पे अक्सर आती रहती है, तो हमेशा हमको रेडियो या न्यूज चैनल को देखना चाहिए ताकि वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्लड, फ्लड के बारे में कोई वार्निंग आए तो हमें पता चल सके। सेकेंड, स्टॉक एडिक्वेट फूड वाटर एंड मेडिसिन, अपने पास हमेशा स्टॉक रखना चाहिए फूड का, मेडिसिन का और वाटर का। ठीक है, अगर फ्लड आ जाए तो ये चीजें हमारे पास कम ना है। फिर है मैच बॉक्सेस अपने पास रेडी रखो, ठीक है, टॉर्च भी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो बंद हो जाएगा अपने हाथ में हमेशा रखना चाहिए। इफ फ्लड ऑकर्स, अगर फ्लड आ जाता है ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ एंड अनप्लग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जितने इलेक्ट्रिक चीजें हैं जो प्लग किए रहते हो उसे अनप्लग कर दो, निकाल दो प्लग को, ठीक है, ताकि भी इलेक्ट्रिसिटी से और भी डैमेज हो सकता है। नाउ प्लांट मोर ट्रीज एज इट हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल टू द ग्राउंड, ज्यादातर प्लांट्स ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि क्या प्लांट क्या करते हैं, उनके जो रूट होते हैं दे होल्ड द सॉइल, सॉइल को होल्ड करते रहते हैं जिसके कारण पानी के बहाव में जो सॉइल है जो मिट्टी है बह नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं प्रिवेंशन, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं फ्लड को। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वन दैट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, सडन मूवमेंट दैट ऑकर्स डीप इनसाइड द अर्थ, धरती के नीचे अचानक सडन मूवमेंट होता है, ठीक है, जो मूवमेंट होता है जिसके कारण अर्थक्वेक होता है, अचानक धरती के नीचे मूवमेंट होगा, तो अगर हमारे नीचे कोई छत किसी चीज पे खड़े हैं अगर नीचे कुछ मूवमेंट है कुछ हिल रहा है तो जरूर हमें महसूस होगा। ठीक है, दिस मूवमेंट गिव राइज टू स्ट्रॉन्ग ट्रेमर, ट्रेमर एंड वाइब्रेशन दैट कैन बी फेल्ट ऑन द सरफेस, जिसके कारण ट्रेमर होता है, कहीं अगर मोबाइल देखो आप साइलेंट रखो वाइब्रेट होता है तो हमें पता चल जाता है, हिलने लगता है जिसपे रखो तो उसी तरह से नीचे अगर कोई मूवमेंट है तो वाइब्रेशन की वजह से वी कैन फील ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती के सरफेस पे हम महसूस कर सकते हैं इस अर्थक्वेक को। ठीक है, नाउ ऑकर्स प्रेयर वार्निंग्स, दिस ऑकर्स विदाउट एनी प्रेयर वार्निंग्स, विदाउट वार्निंग अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आने से पहले कोई वार्निंग नहीं होता है, अचानक ही अर्थक्वेक सडनली आ जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ, व्हाट इज सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द मेजर एंड रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आता है उसे मेजर करने के लिए वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट है, नाउ टॉकिंग अबाउट सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी क्या होता है, सिस्मोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बारे में जो स्टडी किया जाता है दैट इज नोन एज सिस्मोलॉजी। ठीक है, नाउ इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी जो होता है अर्थक्वेक का कि वो एक स्केल पे रिकॉर्ड किया जाता है और स्केल को कहते हैं रिचर्ड स्केल, क्लियर है, तो अर्थक्वेक सडनली आता है विदाउट एनी प्रेयर वार्निंग्स, कोई वार्निंग्स नहीं है, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको मेजर करने के लिए दैट इज नोन एज सिस्मोग्राफ, और रिचर्ड स्केल में उसकी इंटेंसिटी पता चल सकती है कितनी प्रेशर से या कितने फोर्स से कितने स्पीड से अर्थक्वेक आया। ठीक है, नाउ सिस्मोलॉजी जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक के बारे में जब हम स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट नेचुरल डिजास्टर जिसमें वी हैव डिस्कस अबाउट फ्लड,
रिमेनिंग टॉपिक विल बी एक्सप्लेन टू यू इन नेक्स्ट क्लास.